हरियाणा प्रदेश में अब पांचवी व आठवीं की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा। इस बारे में SCERT द्वारा पांचवी व आठवीं की परीक्षाएं बोर्ड को लेने का अधिकार दिया गया है। इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद द्वारा उन्हें पांचवी व आठवीं की परीक्षाएं लेने का पत्र प्राप्त हुआ है। 19 जनवरी को माननीय हाईकोर्ट ने SCERT को पांचवी व आठवीं की बोर्ड की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा निर्णय के लिए अधिकृत किया था, जिस पर निर्णय लेते हुए पांचवी व आठवीं की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा लिया जाना निश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब की बार सिर्फ आठवीं की परीक्षाएं होंगी, अगले साल से पांचवी की परीक्षाओं का संचालन भी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड को राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद यानी कि SCERT गुड़गांव से पत्र प्राप्त हुआ है कि पांचवीं और आठवीं की वार्षिक परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाएंगी। जैसे बोर्ड पहले भी कहता आ रहा है कि भी इस वर्ष आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा, पांचवी के बारे में निर्णय अगले वर्ष में किया जाएगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर किस प्रकार का प्रश्न पत्र रहेगा और किस प्रकार का नमूना भी हमने बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया है। इस बार विद्यार्थियों की कठिनाई को देखते हुए 30% सिलेबस में कटौती की गई है। आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्कूल द्वारा दिए जाएंगे, सामान्यतः सभी सब्जेक्ट में 20 नंबर के रहेंगे और जो वार्षिक परीक्षा होगी में 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा, उसमें 40 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 अंक का सब्जेक्टिव होगा। इस बारे में उच्च अधिकारी से मीटिंग करते हुए शिक्षा विभाग से, क्योंकि विद्यार्थी उनके हैं, उस बारे में निर्णय लिया जाएगा आठवीं दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं कब होंगी। सर जो आठवीं की, क्योंकि अभी स्कूल खुलने प्रारंभ हुए हैं, अगले सोमवार से शायद और क्लासों को छूट दी जाए, तो उस हिसाब से बच्चों को कितने पीरियड मिलने चाहिए उसकी गणना करते हुए, ऑनलाइन में कितना टाइम लगा है, ऑफलाइन में कितना टाइम स्कूल लगा है, उस सब की गणना करते हुए परीक्षा का समय तय किया जाएगा।